तो दोस्तों फाइनली हमारे सुरजीत सर सभी जगह लेटर रिसीव करवा दिए, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयोग को, और आयोग से मिलने का परमिशन भी मिल चुकी है। तो चलिए मिल के अभी टीसी आयोग के सचिव से मिल के सुरजीत सर क्या बातचीत किए हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, काउंसलिंग लिस्ट कब जारी हो रही है, तो इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरें और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और आयोग को जो लेटर दिए हैं तो वहाँ क्या बातचीत किए हैं और बीटीसी आयोग के सचिव से क्या बातचीत हुई, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते और सारी जानकारी डिटेल्स में टॉपिक वाइज बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देख लीजिए। दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री साहब को मुख्यमंत्री सचिवालय से लेटर रिसीव कराने के बाद अभी मुख्य सचिव अमीर सुबहानी सर के यहाँ एनएम बहने की काउंसलिंग की तारीख तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जल्द निकलवाने हेतु आवेदन रिसीविंग कराने हेतु मैं और मेरी पत्नी बीना कुमारी जो कि पेटिशनर हैं पुरानी सचिवालय पहुँचे हुए हैं। देख लीजिए ये पहला मैसेज किए हैं, पहला अपडेट दिए हैं सुरजीत सर। चलिए आगे देख लीजिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री को लेटर रिसीव करवा दिए, उसके बाद मुख्य सचिव यहाँ पहुँचे हुए हैं लेटर रिसीव करवाने के लिए, उसके बाद आगे देख लीजिए। देख लीजिए मुख्य सचिव के ऑफिस में बैठे हुए हैं हमारे सर, उसके बाद आगे देख लीजिए ये वहाँ से आ गए हैं और अभी देखिए बीटीसी आयोग के जो है ऑफिस में बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए बीटीसी आयोग के सचिव से। तो चलिए ये भी हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए आवश्यक सूचना, सुरजीत जी और बीना जी को बीटीसी के सचिव से मिलने के लिए सहमति मिल गई है, दोनों वेट कर रहे हैं, मिल के ही दोनों रिसीव भी करवाएंगे और सचिव सर से सुरजीत जी बात भी अच्छे से करेंगे और निवेदन भी हम लोग का काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाया जाए। सब खुश रहिए, आप भगवान करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो देखिए अभी हम आपको पिक दिखाएँ जो बीटीसी आयोग में बैठे हुए हैं बीटीसी आयोग के सचिव से मिलने के लिए, चलिए उसके बाद आगे देख लीजिए।